अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उमर। आप देख रहे हैं उमर द इलेक्ट्रॉनिक्स। आज आपके सामने एक और वीडियो दिखा रहा हूँ बहुत दिनों के बाद। आज आपको मैं ये ओरिएंट एलईडी 42 इंच की है, ये पोमा 40 इंच है सॉरी। और इसमें इसके फॉल्ट है कि इसमें लैंप बिल्कुल ऑन नहीं है और इसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है और हल्की इसी तस्वीर बनती है। तो आज आपको बताऊंगा इसमें क्या फॉल्ट है और इसके जो अक्सर ही होती है लैंप ख़राब हो जाती हैं, बैकलाइट अक्सर कहते हैं, अक्सर इसे लैंप बोलते हैं, इसे पैनल लाइट भी बोलते हैं, जिससे तस्वीर बनती है। तो आज आपको बताऊंगा कि इसको मैं कैसे रिपेयर कर सकता हूं, ऐसे इसमें फॉल्ट क्या आया है, हमें इसे अगर इसकी बैकलाइट का फॉल्ट है तो हम इसे कैसे रिपेयर करेंगे, हम कौन सी डालेंगे हमारी ओके हो जाएगी, हम ओरिजिनल भी डाल सकते हैं और दूसरे लोकल भी इसमें इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं ओरिजिनल का इस्तेमाल करता हूँ। तो चलें चलते हैं, आपको फॉल्ट टेस्ट कर बताते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। जी, इसका बोर्ड ओपन हो चुका है और ये इसका बोर्ड है जो लेटेस्ट हमें एलईडी आ रही है ओरिएंट की, वो इस तरह का बोर्ड है। ये सादा बोर्ड है, एंड्रॉयड नहीं है। तो चलें आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से मैं चेक किए हैं। इसकी बैकलाइट सबसे ऊपर आपने चेक करनी है, बोर्ड की मीटर को 200 वोल्ट पे रखना है और इसकी प्रॉड इसके ऊपर लगा देनी है आपने। ये इसकी प्लस की और ये माइनस की तार लगा के इसके पावर ऑन करके इसे स्टैंड बाई से निकाल लेना है। अगर तो वोल्टेज आपके आप हो रहे हैं, ये जब स्टैंड बाई भी होती है तो ये 35 से 40 वोल्ट आपको देती है, मीटर पे शो करवाएगी। अगर आपकी आप स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे इसे तो आप इसके वोल्टेज देखेंगे 90 से ऊपर जाएंगे। अगर 90 से ऊपर जा रहे हैं और हमारी लाइट बैकलाइट ऑन नहीं हो रही तो कन्फर्म इशू इसका बैकलाइट का है और इसके बोर्ड में कोई ख़राबी नहीं है। तो हाँ, मैंने भी चेक की है, मैंने जो चेक की है इसकी बैकलाइट इशू आ रहा है, इसके भी वोल्टेज बूस्ट हो रहे हैं, आप हो रहे हैं, तो इसकी बैकलाइट का इशू है। तो मैं इसके ऊपर बैकलाइट रिपेयर करूँगा इसके, या नए डालूँगा। ज़्यादातर मैं नहीं डालता हूँ, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि नए डाले करें क्योंकि इससे कंप्लेन बहुत कम आती है। चलें आपको मैं खोल के बाकी चीज़ें बताता हूँ। मैंने इससे सारा कंप्लीट खोल लिया, इसके जो पैनल और इसका प्रोटेक्टर था वाइट कलर का, जो देखिए मैंने वो उसे उतार दिया। ये पैनल है और इसका ये प्रोटेक्टर है और इसमें पेपर लगे होते हैं इसकी लैंप की रोशनी रोकने के लिए। और इसमें ये देखें, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 LED लगी हुई हैं और इसका ये नंबर है, ये देखें D3639.07 इसका मॉडल है। इसका लैंप का अगर आपने मंगवाना हो इस मॉडल से आप मंगवा सकते हैं। और इसमें 3 स्ट्रिप लगी हुई हैं, 1 2 3, ये देख सकते हैं 3 लगी हैं, तीनों 7 वाली हैं और तीनों सीरीज में लगी हुई हैं, पैरेलल में सीरीज में, इसीलिए इसके 90 से अबव वोल्टेज बनते हैं। और इसमें इसकी एक लाइट 3 वोल्ट की होती है। और चलिए आपको चेंज करता हूँ, इसमें चेक कर लिए, ये ख़राब हो चुके हैं और इसके कलर भी डल हो चुके हैं। तो चलें आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले आपने इसे उतारने से पहले ये आपको नई स्ट्रिप लगा कर आपने कन्फर्म कर लेना है, तो यही फॉल्ट है। बात हो जाता है कि स्ट्रिप भी हमारी ठीक होती है, फिर भी हमारे वोल्टेज भी बन रहे होते हैं, लेकिन हमारे को वायर शेयर का मामला होता है तो हम उसे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसके ये लगी हुई है उसके साथ, इसके साथ मैंने ये जो नई ली है इसके साथ मैंने लगा ली है। और अब मैं आपको ऑन करता हूँ इसको, मैंने नीचे लगाया हुआ लाइट चल रही है, ये मैंने पावर स्टैंड में से निकाल दिया और अब देखते हैं हमें, ये देखें बिल्कुल हमारा शक सही था, हमारे लैंप ही ख़राब हैं और हमारे बिल्कुल ठीक है। बाकी अब हम आप इसे उतार के नई वाली रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप कोई और फॉल्ट होगा तो इस तरह आप टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बंद करके दिखाता हूँ।